चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर जहां देश भर में दुआओं का दौर जारी है, वहीं रक्षाबंधन को लेकर भी अनोखी राखियां तैयार की जा रही हैं। जी हां, ये है गुजरात के सूरत का ज्वेलरी शोरूम, जहां सोने चांदी की राखियों के साथ चंद्रयान वाली राखियां बिक रही हैं। यहां चंद्रयान वाली राखी के साथ पीएम मोदी, सीएम योगी और राम मंदिर वाली राखियों की भरमार भी है। इसके अलावा डायमंड की राखियां भी शोरूम को चार चांद लगाए हुए हैं। राखी की डिमांड जो हम लोग हर साल हम लोग डायमंड, गोल्ड, सिल्वर में राखी बनाते हैं, तो वो देख के लोगों का इसमें डिमांड तो हाई रहता ही है। और इस बार हमने नया जो लाया है वो चंद्रयान की राखी है, फिर अपने मोदी जी जो सबके फेवरेट सुपर हीरो है वो, हाँ, फिर हमारे अपने मोदी जी की, फिर योगी जी और राम मंदिर, वो चार नई राखी हमने पेश की है। उसके साथ साथ जो अभी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो मेन अभी प्रमोट हो रहा है अपना सूरत का लैब ग्रोन डायमंड, तो हम उस लैब ग्रोन डायमंड की भी हमने राखियां बनाई हैं जो एक से एक ज़्यादा डिमांड में चल रही है। ये जो राखी की कीमत है कहाँ से कहाँ, मैक्सिमम कितनी और मिनिमम कितनी? जो गोल्ड और सिल्वर में है जो अभी राखी, वो सब हमारी 1000 से लेके 5 लाख रुपीज तक है। और जो भी हमारी लैब ग्रोन में राखी है वो मिनिमम स्टार्टिंग 50,000 से लेके 5 लाख, 6 लाख, जैसे आपको चाहिए वो हिसाब से कस्टमाइज भी हम करते हैं। उसमें कम की भी बनानी है तो 10,000-20,000 में भी बन जाती है। कैसा माहौल है? और माहौल तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जैसे सबके बहनों को अपने भाई के लिए एक फीलिंग होती है कि मेरा भाई इतना प्रीशियस है, तो वो जो भाई के लिए जो प्रीशियसनेस की फीलिंग है वो हिसाब से अपने भाइयों को वो लोग आजकल सादी राखी से अच्छा ये राखी देना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे जाके उनको, अभी हम जैसे हम लोग जो बनाते हैं राखी वो सब मल्टीपर्पज़ होती है, हाथ में तो पहन लिया पर जब उसके बाद उसको जब राखी निकालने का टाइम आता है तो उसको वो पेंडेंट में या फिर एज अ रिंग में बनवा सकते हैं, वैसा हमने वो कॉन्सेप्ट से बनाया है। सूरत डायमंड का हब माना जाता है, तो यहाँ पे मैं मेरे भाई के लिए गोल्ड की राखी खरीदने आई हूँ, ताकि वो हमेशा उसके पास रखे और कभी भी उसे ज़रूरत हो तो वो उसे यूज़ कर सकता है। फिर नॉर्मल राखी की बजाय गोल्ड में मैं लेना चाहूँगी, ताकि वो उसके पास हमेशा रहे।